सरों का। महाराष्ट्र के सोलापुर में कार ने श्रद्धालुओं को कुचला, सात की मौत, कई घायल। पीड़ित परिवारों को सीएम ने 5-5 लाख देने का ऐलान किया। भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगे खड़गे। पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार राहुल के साथ करेंगे कदम ताल। राजस्थान के मानगढ़ धाम में आज 3 राज्यों को साधेंगे पीएम मोदी, आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। दुनिया भर के खालिस्तान समर्थकों को एकजुट कर रहा पाकिस्तान, आईएसआई की घिनौनी साजिश। T20 वर्ल्ड कप 2022 में आज 2 मुकाबले, अफगानिस्तान से भिड़ेगी श्रीलंका, इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के मोरबी जिले में अचानक पुल गिरने के हादसे के बाद देश भर में शोक का माहौल है। वहीं इस घटना में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और अभी रेस्क्यू लगातार जारी है। गुजरात के मोरबी जिले में हुई घटना को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक कैंडल मार्च निकाला और घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी है। छात्र नेता जैद शेरवानी ने कहा कि गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर छात्रों ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को पता है चुनाव में हार रहे हैं। पहली चीज तो हमने उन मासूम बच्चों के साथ, जो सिर्फ सरकार की निकम्मा पन की वजह से ब्रिज टूटा है और सरकार इस चीज को बचाव कर रही है, जब पता था कि अभी कुछ दिन पहले 200 करोड़ भी दिए हैं तो उससे क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। और ओवरलोडेड पब्लिक वहाँ पहुँची कैसे और उसको रोका क्यों नहीं गया? मुझे लगता है इसमें सोची समझी सबकी साजिश है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन भी करीब हैं। इस मासूम बच्चों की जानों को और जितने भी लोग मरे हैं उनको पॉलिटिकल एंगल से ये लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं। इन लोगों को किसी के मासूम की जान की या किसी भी इंसान की कोई कदर नहीं है, इन लोगों को सिर्फ चुनाव दिखता है। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि इन मासूम और जितने भी लोग इसमें मौत, जिन लोगों को मौत हुई है सबको 10-10 लाख रुपए, और जो लोग इसमें छोटी चोट आएंगे उनको 5-5 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे। दिल्ली से सटे ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 में स्थित एक हुक्का बार में बर्थडे पार्टी के नाम पर हुक्के के धुएं का छल्ला उड़ाते और नशीले पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए लोग दिखे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्शन लेते हुए सूचना मिलने के बाद 26 युवक और युवतियों को अपने संरक्षण में कामयाबी हासिल की। इस मामले में पुलिस पर भी आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि युवक युवतियों का बचाव करते हुए आरोपी हुक्का बार संचालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। तो सूचना पर हम मौके पहुँचे तो देखा तो वहाँ हुक्के रखे हुए थे, बच्चे बैठे थे, तो हुक्के को हमने कब्जे में ले लिया और जो चला रहा था उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर। मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लड़कियाँ भी थी, कितने लड़के थे, कितनी लड़कियाँ थी और जिन लड़के लड़कियाँ वहाँ जन्मदिन पार्टी कर रहे थे, अपनी केक वगैरह काट रहे थे वहाँ बैठे। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ेंगे। मनोज, हुक्का बार में 26 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? फरीदाबाद के 88 का मामला है, जहां पर सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली थी कि एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस को टीम गठित करके मौके पर छापेमारी की। तो देखा कि जो कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं हुक्का बार का सेवन कर रहे हैं, हुक्का का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आम
इस तरह की जो गलत गतिविधि है इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी सक्रिय है, और इस तरह की जो जितने भी हुक्कावार हैं फरीदाबाद में उन पर भी पुलिस की जो नजर है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। और टीडी पुलिस थाना क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस तरह के जो नशे के जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं फल फूल रहे हैं, जिसको लेकर सीएम फ्लैंग और हरियाणा पुलिस की जो कार्रवाई की है। जी धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियों के लिए। मऊ के जनसंपर्क के दौरान दो प्रत्याशियों के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रत्याशियों के बीच मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ओरियाना बाजार स्थित दुकान पर सभासद पद के प्रत्याशी और दूसरे गुट के चेयरमैन पद के प्रत्याशी आमने सामने आ गए और दोनों ने जमकर अभद्रता की। हरदोई में दुष्कर्म के आरोपी हरिश्याम वाजपेयी को खोजने में पुलिस नाकाम है। दलित महिला से रेप के मामले में आरोपी फरार चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि आरोपी तथा कथित पत्रकार हरिश्याम वाजपेयी खुद को एक पत्रिका का संपादक बताता था, जिसके जरिए वह जनपद में अपना रौब जमाता था। आरोपी के खिलाफ घर की कुर्की की कार्रवाई तो की जा चुकी है, पर उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है, अगर वह हाजिर नहीं होता है तो उस पर इनाम घोषित किया जाएगा। बस्ती से चलकर प्रयागराज जाने वाली मानवर संगम एक्सप्रेस ट्रेन के सुल्तानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचते ही अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं निकलते ही यात्रियों में अफरा तफरी मचने लगी। सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के सीनियर टेक्नीशियन के साथ पूरी टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। ये कौन सी ट्रेन है? ये मानवर संगम है। ये इलाहाबाद के लिए जा रही है। अच्छा, तो ये कैसे, क्या आग लगी, क्यों? इसमें कुछ बैटरी से शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ शॉर्ट हो गया था, उसमें धुआं निकल रहा था, डिस्कनेक्ट कर दिया गया उसका फ्यूज वगैरह, बैटरी कनेक्शन वगैरह डिस्कनेक्ट करके बगल के कोच से टीसी देके उसको लाइटेड कर दिया गया है। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, थोड़ा सा माइनर सा था, वो फ्यूज काट के उसको बगल से टीसी दे दी गई है, अब गाड़ी लाइटेड जा रही है। अच्छा, गाड़ी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, मानवर संगम एक्सप्रेस में अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्या वजह है अचानक धुआं निकलने लगा? जी बिल्कुल, आपको बता रही है, मानवर संगम जो है लगभग 7 बजे की गाड़ी थी, ये बस्ती से चलती है प्रयागराज की तरफ जाती है, जिसको देखकर जो है अचानक बैटरी में शॉर्ट सर्किट कारण जो है धुआं फैलने लगा, लोगों के अंदर दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल जो है कोई बड़ी घटना के अंजाम नहीं हो पाया है, उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि अगर सबसे पहले आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार वारदात तो होती रहती है, लेकिन कोई ना कोई बड़ा अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, ना सुधारने का नाम ले रहा। वही दूसरी तरफ जो है, चाहे प्रधानमंत्री चाहे योगी आदित्यनाथ कोई भी हो, रेलवे को जो है सुधारने में लगा, वही दूसरी तरफ कोई कुछ ना कुछ कमियां निकल जाती है। धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र के गांव पहरौली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने चाचा और उसके परिजनों पर युवती को जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मार देने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही शिकायत के आधार पर मामले में कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
गोंडा में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने रिजर्व पुलिस लाइन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस कर्मियों को राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। इसी तरह जनपद की समस्त थानों और चौकियों पर भी एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई। रायबरेली में सीएमओ ऑफिस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके बैसवार के साथ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एके चौधरी मौजूद रहे। स्टाफ के सभी लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों पर माल्यार्पण किया और उन्होंने अपने विभाग के सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख